कमजोर विद्यार्थियों के सामने। अब बोर्ड परीक्षा सर पे है, बहुत कम दिन, गिने चुने दिन अब आपके पास बचे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो घबराए हुए हैं कि अंतिम दिनों में हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम को पास कर पाए और अपने साल भर की मेहनत को परिणाम में बदल पाए और साल भर अपना बचा पाए। ऐसे में आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी तैयारी को छोड़ दें, आप बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करना ही छोड़ दें और दिन भर यह सोचें कि मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की, अब मैं अंतिम दिनों में क्या कर लूंगा। और दूसरा तरीका यह है कि एक योद्धा के तरह बोर्ड एग्जाम के युद्ध को जीतने के लिए अपनी सारी शक्ति को लगाते हुए, कुछ तरीकों को अपनाते हुए बोर्ड एग्जाम में अपने एक सफलता की इबारत कैसे लिखें और यह सिद्ध करें कि आप में भी वह बात है जो एक टॉपर में होती है, आप भी सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसके दम पर आप अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत शानदार तरीके से पास करेंगे और अपने सोचे हुए टारगेट को अचीव करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखें, अब अपने पूरे सिलेबस को मत पढ़िए। दूसरी बात, रिफरेंस बुक को मत टच करिए। तीसरी बात, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर के अलावा कोई भी किताब अब आपको नहीं छूनी है। यह 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। चौथी बात यह है कि इधर उधर की चीजों को अब आपको छोड़ देना है, चाहे वह सोशल मीडिया हो, चाहे वह कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो अब आपका समय ले रही है। आप अपने आप से एक वादा कर लीजिए कि आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर मैं सिर्फ पूरी जान लगा दूंगा अपने पढ़ाई में और अपनी इस मेहनत को मैं परिणाम में बदलूंगा। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अब आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, यानी रीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप सोचेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, आपको हर चैप्टर से मैं बता रहा हूं सिर्फ 15-15 सवाल लेने हैं। यानी कि अगर आपके मैथ में, मान लीजिए आपके मैथ में अगर 15 चैप्टर हैं, तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर 15-15 सवाल ऐसे लेने हैं जो आपको लगते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी 15-15 आपको 225 सवाल के अंदर मैथमेटिक्स को आपको सॉल्व करना है। अब आप सोचेंगे कि ये 225 सवाल हम कैसे लेंगे। देखिए, इसके लिए आपके पास आपके टेबल पर 2 चीजें होनी चाहिए, 3 से 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर, और दूसरा चीज आपके पास होना चाहिए लेटेस्ट मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आप इन मॉडल पेपर को, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने यह काम कर लिया मैथ, साइंस, एसएसटी, इस सब्जेक्ट में, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। बात आती है इंग्लिश और हिंदी की। देखिए, इंग्लिश और हिंदी का पेपर का पैटर्न सेट होता है। इसके लिए सिर्फ आप 5 सैंपल पेपरों को सॉल्व करिए। अगर आप 5 सैंपल पेपरों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करने वाले हैं। दूसरा तरीका यह है कि अब आपको यह करना है, रीड ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और हर चैप्टर के आपको कम से कम 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार करना है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। साइंस के अंदर आपका ओम्स लॉ ऐसा टॉपिक है जो आपसे हर बार, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैथमेटिक्स के अंदर ट्रायंगल चैप्टर से आपका थेल्स थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री से आपसे कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार आपसे पूछे जाते हैं। इन्हीं सवालों की तैयारी आपको करनी है, और जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। यानी आप उन टॉपिक्स को जब पढ़ेंगे तो उसके शॉर्ट नोट्स भी अपने साथ रखेंगे ताकि आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को दे पाए। तीसरी बात, सॉल्व 3 to 5 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड लेटेस्ट मॉडल पेपर इशूड बाय योर बोर्ड। आप अपने बोर्ड एग्जाम के 3 से 5 सालों के पेपर को सॉल्व करेंगे और जो लेटेस्ट मॉडल पेपर है उसको भी आप अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। टाइमर के साथ आप इनको करेंगे, यानी आप बोर्ड एग्जाम का माहौल अपने घर पर क्रिएट करते हुए कम से कम हर सब्जेक्ट के 3 से 5 सालों के पेपर और लेटेस्ट मॉडल पेपर को आप सॉल्व करेंगे। अगली बात, मोर फोकस ऑन योर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल। जब आप इन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी आती है वैसे ही सैंपल सीट आप मार्केट से परचेस कीजिए, आपको मिलेगी। पूरे तरीके से आप उसी कॉपी पर पेपर को सॉल्व करेंगे, अपनी राइटिंग को बेहतरीन करेंगे। राइटिंग को सही करने का तरीका यह है कि आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं
उन्हें आप बेहतरीन तरीके से करिए, एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से करिए। जब आप एग्जाम के लिए जाने वाले हो उससे एक दिन पहले जब आप रिवीजन कर रहे हो तो अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कॉपी आप बनाएंगे उनको आप पढ़ करके जा सके इतनी बेहतरीन राइटिंग में होना चाहिए। इससे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, इससे आपके स्कोर करने के चांसेस ज्यादा होंगे, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत बेहतरीन होगी। अगली बात, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। देखिए बोर्ड एग्जाम का सबसे अंतिम फॉर्मूला यही है कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके पेपर में 35 सवाल है तो आप पूरे के पूरे 35 सवाल को सॉल्व करके आएंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता कुछ ना कुछ जरूर रिलेटेड लिखेंगे। यही कुछ ऐसे बेहतरीन और शानदार तरीके हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। अपने टारगेट को सेट कीजिए, टाइम टेबल बनाइए और टाइम की वैल्यू को समझिए। ये ट्रिपल टी का फॉर्मूला आपको सफलता जरूर पहुंचाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपके अंदर एक नई ऊर्जा लेकर के आया होगा, अपने लक्ष्य को पाने में आपकी सहायता करेगा। मिलेंगे अपने अगले बेहतरीन और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उस दोस्त में, अपने भाई बहनों में शेयर कीजिए जो बोर्ड एग्जाम की जर्नी को लेकर के डरे हुए हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।